श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि हम इसलिए खुश हैं कि हमारी पत्नी अच्छी है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारी गवर्नमेंट अच्छी है और चारों तरफ का जो वातावरण है वो ठीक है, कहीं झगड़े नहीं है, इसलिए हम खुश हैं, तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? और यदि हम इसलिए खुश हैं कि हमारी पत्नी महाकाली है, पुत्र राक्षस है और गवर्नमेंट रावण का चल रहा है और फिर भी हम खुश हैं, तब तो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन है। इसलिए यहां भगवान के इस समता को लेकर के अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जिसके अंतकरण में विक्षेप नाम की चीज आती ही नहीं, और यदि विक्षेप आ भी जाए तो वो विक्षेप के द्वारा प्रभावित नहीं होता, या विक्षेप आ भी जाए तो वो दो क्षण के लिए टिकते हैं फिर निकल जाते हैं, क्या ये संभव है? देखो, हम लोगों के सबके सामने यही एक समस्या है कि जब हमको बताते हैं कि देखो भैया सबसे प्यार करो, स्वामी जी ये संभव नहीं है, पड़ोसी से प्यार वो तो दुश्मनी करने के लिए होते हैं। ये संभव है केवल हमारी वैसी दृढ़ इच्छा और संकल्प चाहिए। देखो, तो इसको लेकर के अर्जुन के प्रश्न है कि जो व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, माने जिसका ज्ञान कभी भी किसी भी परिस्थिति में कलुषित नहीं होता, हमारे ज्ञान पर दुनिया के बड़े प्रभाव पड़ते हैं चार प्रकार से। एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मन में ऐसे भयानक विचार आते हैं कि जो विचार नॉर्मल कंडीशन में नहीं आते, और फिर कई बार हम कहते हैं पता नहीं जब भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो बड़े गंदे गंदे विचार आते हैं, पता नहीं कारण क्या है, कारण मेडिटेशन, करो ही मत, विचार ही नहीं आएंगे। देखो, दूसरी समस्या ये होती है कि जब यह जगत के साथ हमको व्यवहार करना है, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो, बड़ा कठिन है जी। तीसरी बात पूछते हैं कि मां सीत, अच्छा यदि ऐसी किसी का ज्ञान कभी कलुषित भ्रष्ट नहीं होता तो उसकी बैठक किस पर है, किस पर वो बैठा है कि इसके ज्ञान की निष्ठा नींव हिलती नहीं? और चौथा प्रश्न है कि ऐसा जो ज्ञानी है, समझदार है, समत्व में स्थित है और इसीलिए मौज में है, यह व्यक्ति जगत में जब जीता है, जाता है, आता है, घूमता है, बैठता है, उस समय उसका व्यवहार कैसे होता है? ये चार बातों का निर्णय जब हो जाएगा तब हम ये समझेंगे कि समत्व में रहना बड़ा आसान है, कठिन नहीं है। जब किसी भी चीज को हम पहले से ही जान लेते हैं, अरे बाप रे ये बड़ा कठिन है, ये हमसे नहीं होगा, तो हम फिर उसको कर ही नहीं पाएंगे। कोई कठिन नहीं है, संभव है। और ये संभावना को बताने के लिए हमारे कन्हैया लाल कहते हैं, आप जो व्यक्ति स्थित ज्ञान में स्थित है जिसमें कोई विक्षेप नहीं होते, उसके लिए समाधि का क्या अर्थ है? समाधि का मतलब ये है क्या कि एक बार बैठ गए और सब लाइट लूट ऑफ कर दो और फिर अपने दांत चबाना शुरू कर दो और मन के साथ झगड़ा शुरू कर दो, क्या वो है ध्यान? इसीलिए भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते।
ये बहुत ही मूलभूत विचार है। ये जब हमारे अंतकरण में उतरेगा, प्रवेश करेगा, तब देखेंगे आप। फिर ध्यान करना नहीं पड़ता है, जीवन में ध्यान देना पड़ता है। हम ध्यान देते कहां है, ध्यान करते हैं। ध्यान कोई करने की क्रिया थोड़ी है। कई बार हमको पूछते हैं लोग, स्वामी जी हम जरा जल्दी में है, अगले स्टेशन पे उतरने वाले हैं, हमको जरा शॉर्ट में बताइए ध्यान कैसा करते हैं। तो हम उनको बताते हैं ठीक है, ऐसा करते हैं, जब आपका स्टेशन आ जाएगा तब हम बताएंगे। स्टेशन बताइए, अब यहां से कूद करके सीधे केमिस्ट के पास चले जाओ, सोने की जो गोलियां है, नींद की गोलियां, उसका एक डब्बा ले लो 500 गोलियों का, और पूरा का पूरा डिब्बा इकट्ठा खा लो, तो क्या होगा, हमेशा के लिए मेडिटेशन हो जाएगा। इसको कहते केमिकल मेडिटेशन। महाराज ऐसा मेडिटेशन नहीं होता। मन के साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती। जबरदस्ती से मन को रोकने का प्रयास कैसा है, एक बच्चा अपने स्कूल में लेबोरेटरी में था, और बड़ी पॉश लेबोरेटरी, और जो फ्लोर थी, जमीन थी, वो थी मार्बल की, एकदम चिकनी, और उसके हाथ से एक बोतल में जो मर्क्यूरी था, पारा था, वो बोतल गिर गई और मर्क्यूरी फैल गया। अब ये घबरा गया, अब उसको ये मर्क्यूरी अपने दूसरे बोतल में डालना है, इसीलिए हाथ से उठाता है, डालता है, हाथ से कुछ भी नहीं आएगा, जिंदगी भर करता रहे, हाथ से मर्क्यूरी नहीं उठा सकते। इसी प्रकार से हम अपने मन को शांत करने के लिए और अशांत करते हैं। देखो तो करना क्या है, यहां भगवान बताते हैं। पहली बात, जब तक के आपके अंतकरण में किसी भी वस्तु के प्रति महात्म्य होगा, महात्म्य दो प्रकार का होता है, एक महात्म्य होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव महात्म्य को कहते हैं आसक्ति राग, और नेगेटिव महात्म्य को कहते हैं द्वेष। तो जब तक हमारे अंतकरण में जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति मजाक में भी राग द्वेष है, तो वह वस्तु हमारे अंतकरण में हमको अंदर से गुदगुदाएगी। तो ये वस्तु के प्रति राग द्वेष हमारे अंतकरण में जो गुदगुदी करता है, उसी को कहते हैं इच्छा, उसी को कहते हैं कामना, उसी को कहते हैं विक्षेप, उसी को कहते हैं विचार, और उसी के कारण हम परेशान होते हैं। देखो, और उसको निकालने के लिए करना क्या है, यदि हमने किसी वस्तु को महत्व दिया है तो हमको ही उस वस्तु का महात्म्य निकाल देना पड़ेगा, कोई अन्य नहीं कर सकता हमारे लिए। एक हम आपको उदाहरण बताते हैं, ये नोएडा में हुआ था, बहुत पुरानी बात है। हम वहां एक लेक्चर के लिए गए थे, और लेक्चर में एक मिलिट्री अफसर थे, कोई ब्रिगेडियर वगैरह, उनकी पत्नी भी आई थी। उसके बाद हमको कहती है, वो रिटायर्ड थे और पत्नी तो टायर्ड थी अपने आप से, और मुझे कहती है स्वामी जी मुझे आप मदद करिए। हमने कहा देखो भाई, अपने अपने सिद्धांत होते हैं, हम किसी को पैसे नहीं देते, लेते जरूर है, देते नहीं। नहीं बोले पैसे की मदद नहीं, मुझे आप मदद करिए कि मैं अपनी सिगरेट छोड़ दूं। आप मुझे कहिए कि अम्मा सिगरेट मत पीना तो मैं छोड़ दूंगी। मैंने कहा मैं क्यों कहूं, ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप सिगरेट पीती हो ना, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है पुराने जमाने का स्टीम इंजन जा रहा है, कितना अच्छा लगता है, और आपके मुख से इतनी सुगंध आती है, और आपके जो फेफड़े हैं वो बड़े ताकतवर बनते हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है पैसे की बचत होती है, और उससे भी बढ़िया बात यह है कि जो तमाकू की खेती करने वाले हैं उनको कोई ना कोई ग्राहक मिल जाते हैं, इसीलिए सिगरेट पीना बंद मत करो, जारी रखो। उन्होंने कहा स्वामी जी आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं, आप मुझे दुखा रहे हैं। हमने कहा अरे भैया, तुमने जब सिगरेट पीना शुरू किया तब मेरे पास आई थी क्या? स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ जी, ये मेरी जो है ना पहली सिगरेट है, विल यू प्लीज इनॉग्रेट।
तो पहली सिगरेट जब आपने पी तो किसके कहने से पी? मेरे कहने से पी। यदि आपने सिगरेट पीना शुरू किया है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, अन्य नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार से जगत के किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति किसके भी प्रति यदि हमारे अंतकरण में राग द्वेष हो, राग द्वेष को इकट्ठा कहते हैं कामना। कामना का यही स्वरूप है, या तो किसी के प्रति आकर्षण राग होगा तो हम उसके पीछे दौड़ेंगे, और यदि द्वेष होगा तो उससे दूर दौड़ेंगे। तो हमारा जीवन क्या है? मिल्खा सिंह, दौड़ते ही रहो। देखो महाराज, अमेरिका की बात है, एक हमारे मित्र है गुजराती, उन्होंने हमको खाने के लिए बुलाया, हम खाने को गए, और दोपहर को 12:30 का टाइम। हमने कहा भाई आपके पुत्र श्री कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं। बोले स्वामी जी वो सो रहा है, जाओ के देखो आप। मैं गया, ह्यूज स्ट्रक्चर 6+4+ और भुजंगासन में लेट रहा था दोपहर को 12:30। तो मैंने कहा बीमार तो नहीं है? बोले बीमार नहीं है, ये ऐसा ही है। तो बोले स्वामी जी, तो मैंने सोचा अब मैं फंसने वाला हूं। हमने कहा अच्छा खाने के लिए क्या बनाया बताओ। सबसे बढ़िया आपको एक टेक्निक हम बताते हैं, व्यक्ति को विषय को बदलना आना चाहिए, तुरंत विषय को बदल डालो। बाल की खाल कभी मत उतारो, तब जहां करके मन शांत रहेगा। तो जब हमने देखा कि अब ये अपने बच्चे की कहानी शुरू करने वाले हैं और मेरा खाना सत्यानाश होने वाला है, तो मैं वहां से उठा और चलो खाने के लिए क्या बनाया है, पकौड़े बनाए कि नहीं, एकदम विषय बदल दिया। लेकिन वो भी कोई कच्चे गुरु के चेले नहीं थे। हमने कहा महात्मा जी आप बैठो। बोले नहीं महात्मा जी मैं बाद में खाऊंगा, आप खाइए। ठीक है हम खाएंगे, और फिर उन्होंने शुरू कर दिया। स्वामी जी जब हम बंबई में थे तब हमारे पिताजी जब हमारे कमरे में आते थे तो हम वहां से उठ करके दौड़ करके दूसरे कमरे में जाते थे। और ये ऐसा है मेरा पुत्र, जो जब ये मेरे कमरे में आता है तो मैं यहां से दौड़ के दूसरे कमरे में जाता हूं, क्या मेरा जीवन है। तो हमने कहा तुम्हारा जीवन दौड़ने के लिए है, पहले बाप के कारण अब पुत्र के कारण, दौड़ते रहो। देखो महाराज, जिसको हम महत्व देते हैं वही हमको परेशान करता है। महात्म्य हमने दिया है। अब देखो हर साल ये सेंट्रल बोर्ड की कितनी विद्यार्थी बैठते हैं परीक्षा के लिए, लाखों में बैठते हैं, कभी हम उसके बारे में विचार करते हैं? लेकिन अपना कबूतर 8वीं 10वीं में हो उस समय देखो मां बाप को ऐसे लगता है कि पूर्ण विश्व में एक ही विषय है दसवीं की परीक्षा, और उसके बाद कितनी परेशानी। कारण क्या है? उस परीक्षा को महत्व नहीं, परीक्षा में मेरा पुत्र बैठा है, उसी के कारण विक्षेप। ये सब समझदारी की बातें हैं संतो। इसीलिए जहां जहां हमको विक्षेप होते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपने किसी वस्तु व्यक्ति को बहुत महत्व दे दिया है। तो यदि हमने महत्व दिया है तो वी हैव टू डी वैल्यू, हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। इसीलिए प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जब हमारे अंतकरण में किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के कोई भी कामना नहीं रहती, तब जाकर के अंतकरण में एक भी वृत्ति का उदय नहीं होता। और सबसे बड़ा दुख देने वाला जो बुरे कर्म होते हैं उससे भी ज्यादा ये अच्छा कर्म करने का रोग होता है। इसको ठीक से समझो, लोहे की चेन से बांधने के बाद आदमी बंध जाता है, और सोने की चेन से बांधने के बाद आदमी क्या खुल जाता है? दोनों से बंधा ही है। लोहे की चेन तो बड़ी होती है, सोने की चेन पतली काटती है बांधने के लिए। एक बार की बात है, हम साउथ अफ्रीका गए थे, जब अपने गुजरात में भूकंप हुआ था उसके पश्चात
हम उस समय वहां थे भूकंप में, फिर भी भूकंप फेल हो गया हम जैसे के तैसे। और जब वहां गए दूसरे दिन ही चले गए थे, तो वहां के लोग काफी गुजराती लोग हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी हमने काफी पैसा इकट्ठा किया है और ये पैसा आप ले जाइए और वहां के कार्य में आपके कार्य में लगाइए। ना पैसा तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन आपको मैं कसम खा के कहता हूं एक एक पैसा मैं अपने में उड़ाऊंगा, पब्लिक का भला नहीं करूंगा। आपको पब्लिक का भला करना है, अमुक अमुक एड्रेस पर भेज दो, वो लोग भला करेंगे। बोले हम तो आपको देना चाहते हैं, दो, हम भी लेने को तैयार है, लेकिन हम किसका भला नहीं करेंगे। बोले ऐसा क्यों? ना अपना अपना शौक है, इस दुनिया में भला केवल प्रभु करता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। देखो संतो, मनुष्य को जितने अपने अच्छाई का अभिमान होता है उसी अभिमान के कारण व्यक्ति दुनिया में दब जाता है। देखो अभी किसी ने कहा प्रभात जी से कि आपके कारण ना देखो हमारा सबका भला हो रहा है। हमने कहा उनको बदनाम मत करो, ये बदनामी दो विश्वनाथ बाबा को, विश्वनाथ बाबा ने इनको चाबी भरी है। ईश्वर के एक उपकरण बन करके रहना, भला बुरा करने वाला ऊपर वाला होता है। निमित्त मात्र भवसव्यसाचिन 11वें अध्याय में भगवान ने कहा है। इसीलिए इस जगत से सभी प्रकार की कामनाओं को हटा जिसने दिया है उसका मन सहज शांत रहेगा। और जब मन शांत है तो अपने आप मौज है, जब मन शांत है तो हम वर्तमान में है, जब हम शांत मन शांत है तो वी आर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी। देखो महाराज, इसीलिए प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। और इस इच्छाओं को कामनाओं को मन से निकालने के लिए क्या करना है? थोड़ा एक छटाक भर विचार करना है। क्या विचार करना है? हम यदि अपने जीवनी को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? बालस्तावत क्रीड़ा सक्तः, तरुणस्तावत तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत चिंता सक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः, भज गोविंदम भज गोविंदम। जिंदगी में हमने किया क्या? केवल अपने इच्छाओं को ही तो पूरा किया है और कुछ नहीं किया है। बचपन में मार्बल के लिए रोते थे, बड़े होने के बाद बाथरूम में मार्बल नहीं है इसलिए रो रहे। बचपन का मार्बल गोल था और बुढ़ापे का मार्बल फ्लैट है। मार्बल का मतलब क्या है? जो बल को मार देता है वो मार्बल। देखो तो हमने कभी अपने इन इच्छाओं की पूर्ति से कुछ सीखा है क्या? एक इच्छा पूरी हो गई, जीवन में परिपूर्णता आई, हाँ, फिर दूसरी इच्छा पूरी हुई, परिपूर्णता आई, नहीं, तीसरी, चौथी, हजार करोड़ इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन जीवन में परिपूर्णता का अनुभव आया क्या? देखो परिपूर्णता का अनुभव तभी आएगा जब परिपूर्ण में हम अपने आप को खो देंगे। देखो एक हमारे मित्र है, अभी नहीं रहे, बंबई के ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस के वो प्रेसिडेंट रह चुके थे दो बार, हार्ट स्पेशलिस्ट। और उनको ये भगवान पोथी सत्संग सब बकवास, तो उनका हार्ट अटैक होने के पश्चात ऑपरेशन वगैरह हो गया, तो उनके एक मित्र थे वो हमारे बड़े प्रेमी थे, तो बोले चलो हमारे स्वामी जी के पास चलो। बोले देखो भैया, हम ये स्वामी स्वामी को कोई विचार नहीं करते, हम आएंगे तुम्हारे खातिर, लेकिन ये मत कहना नमस्कार चमत्कार करो, ठीक है? बोले चलो तो सही। फिर आ गए, आने के बाद हमको कहते देखो महाराज जी हमारे फ्रेंड ले आए, हम नहीं आए। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, हमको आपके दर्शन हो गए, हम तो कृतकृत्य हो गए। अब वो और कंफ्यूज में पड़ गए। फिर हमने उनको कहा कि बोलिए क्या सेवा करें आपकी। बोले मुझे एक ऐसी बात बताओ कि जो मुझे मालूम नहीं है, फिर मैं आपको मानूंगा और फिर मैं
आपके प्रति समर्पित हो जाऊंगा। हमने कहा समर्पण करने की जरूरत नहीं, और ये मैं चैलेंज करके नहीं बोल रहा हूं, ये तो अपनी मौज में बोल रहा हूं। मुझे बताया आपका अभी ऑपरेशन हुआ हार्ट का, बोले हाँ, तो कितने साल की उम्र में हुआ, बोले 72 साल की, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन होकर के कितने दिन हो गए, बोले 2 महीने। हमने कहा आपको नई बात बताओ, अभी आपकी उम्र 2 महीने की है, यदि उस ऑपरेशन में या हार्ट अटैक में पधार जाते हैं तो सिनेमा खत्म। तो कन्हैया ने आपको ये बोनस दिया है, और बोनस इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता है, उड़ाने के लिए होता है। व्यक्ति को तनख्वाह मिलती है तो खुशी नहीं होती, बोनस मिलता है तो खुशी होती है। तो अब आपका जीवन एक बालक तुल्य होना चाहिए। फॉरगेट एवरीथिंग योर पास्ट, कि तुम बड़े डॉक्टर सब छोड़ दो और बच्चे के जैसे मस्त रहो। तुरंत उन्होंने निर्णय ले लिया, बोले ये बात तो मुझे क्लिक हुई नहीं। हमने कहा मैं आपको प्रणाम करता हूं, बोले नहीं नहीं स्वामी जी, अब मुझे सब समझ में आ गया, आप मुझे ठिकाने पर लगाओगे। और फिर उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके बंबई के पास उनकी बहुत बड़ी फार्म हाउस था, वहां चले गए और हमारी 2-4-10 कैसेट सीडी डीवीडी सब ले गए, और वहां ऐसे लग गए मुन्ना भाई, 3-4 साल में उनमें इतना परिवर्तन आ गया। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, घंटों वो शांत बैठते थे, अब उससे सबसे ज्यादा मुझे कांग्रेचुलेशन किसने दिया, उनके बच्चों ने। बोले स्वामी जी आपने पापा से हमको बचाया, हम तंग आ गए थे उनसे, क्योंकि एक बड़े बरगद के वृक्ष के नीचे दूसरे पेड़ नहीं उगते। देखो उसके कारण उनका भी बड़ा मन शांत और तत्व चिंतन में लग गया। इसलिए महाराज यदि हमारे अंतकरण में कोई भी कामना हो तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। कामना को निकालने के लिए यही देखना है कि हमारा जो इक्वेशन है वो गलत इक्वेशन है। हमारा इक्वेशन कौन सा है, फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर इज इक्वल टू फुलफिलमेंट इन लाइफ। इट इज द रॉन्ग इक्वेशन। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज नॉट इक्वल टू फुलफिलमेंट इन लाइफ। ये बातें समझदारी की है, ये करने की नहीं है कि प्राणायाम करते रहो हवा भरते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। समझदारी को ठीक करना है। इसीलिए प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अब हमारे मन की सब कामनाएं खत्म हो गई, माने कि हम डिप्रेशन में चले गए, अब जी के क्या करेंगे। आहा, आत्मन्ने वात्मना तुष्टा, प्रसन्नता की पराकाष्ठा हो गई है। सी, कोई भी महात्मा लोग प्रसन्न होते हैं, दुखी नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि उनको दुख नहीं है, दुख बहुत होता है, लेकिन उसको पचा जाते हैं, डाइजेशन बढ़ जाता है पावर। आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः। अब देखो हमको जीवन में किस व्यक्ति के साथ संबंध ठीक रखना अच्छा लगता है, कि जो प्रसन्न हो, और जो हमेशा कंप्लेन कर रहा हो, रो रहा हो, हमेशा कह कह, पहली बार आप सुन लो बड़े आदर से, दूसरे बार वही, तीसरे बार वही, तो फिर क्या करेंगे, तीसरे बार फिर वही सीढ़ी शुरू हो गई तो हम तुरंत पुराना न्यूज़पेपर लेकर के उसको उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे। इस दुनिया में दो बातें करो महाराज, यदि आपके मन के शांति को टिका के रखना है तो दो बातें। पहली बात, किसी को खुश करने का प्रयत्न मत करना, भगवान फेल हो चुके हैं। मुझे विश्वनाथ बाबा ने बताया है वो किसी को खुश नहीं करते। अच्छा, किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक सेल्फ सफिशिएंट है अपने दुखों से।
बात क्या हो जाएगी, मन शांत हो गया, आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः। और एक महत्व की बात है, जो व्यक्ति अपने आप से शांत है, प्रसन्न है, वही व्यक्ति दुनिया के साथ शांत है और प्रसन्न है। सी? जो अपने साथ दुखी है तो दुनिया के साथ मस्त नहीं रह सकता। इसीलिए आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ सदोच्चते। तो ध्यान करना माने क्या, ये बातें होनी है। मुझे आज किसी ने कहा कि स्वामी जी समय आप ध्यान नहीं लगा रहे। अब देखो इसके दो तीन बातें आपको बताते हैं। ध्यान को बैठने के समय सबसे महत्व की आवश्यकता होती है साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। मानसिक जो बटन है वो ठीक से दबाने चाहिए। तो पहली महत्व की बात, ध्यान के लिए जब हम बैठते हैं तो प्रसन्न है, ऐसे नहीं अच्छा चलो ध्यान कर ले जाऊं बैठ ली। हाँ, इट इज अवर ओन चॉइस। किसी ने हमको कंपल्सरी नहीं किया, ध्यान नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। अच्छा मामी कितने घंटे, 15 मिनट, ठीक है। ये कोई ध्यान करने की प्रक्रिया थोड़ी है। तो वी आर ऑन अवर चॉइस, चेयरफुली हैप्पीली, पहली स्थिति। दूसरी बात, ध्यान में अनेक व्यक्तियों को डर लगता है और अनेक प्रकार की ये मन के स्फुरण है, कल्पना है। एक सज्जन ने मुझे पूछा था, स्वामी जी मुझे जब भी ध्यान के लिए बैठता हूं मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि ध्यान में यदि मैं ऐसे लेविटेट होने लग गया हूं, ऊपर ऊपर जाने लग गया हूं तो क्या होगा। हमने कहा डिपेंड्स कहां तुम बैठे हो। फैन के नीचे बैठे हो तो चक्कर काटते रहोगे, पेड़ के नीचे बैठे हो तो पेड़ को लटकोगे, और डायरेक्टली आकाश के नीचे बैठे हो कभी मत करना, उड़ जाओगे। ये सब मानसिक कल्पनाएं हैं। तो ये मन से डर को निकालने के लिए जो सरल उपाय है, अपने हृदय में अपने इष्ट देवता कन्हैयालाल बैठे हैं और गुरु महाराज बैठे हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, गुरु महाराज हमको अंदर से गाइडेंस देते हैं, हम अकेले नहीं है, यह दृढ़ विश्वास। पहली बात प्रसन्नता की हो गई, दूसरी हृदय में ईश्वर और गुरु को रख दिया, तीसरी बात ध्यान करते समय हम मिस्टर नोबडी है। गहरी नींद में हम कौन होते हैं, मां बाप पति पत्नी भाई बहन अमीर गरीब और पढ़े लिखे अनपढ़, कुछ भी नहीं होते ना। इसीलिए गहरी नींद में एक भी विचार नहीं आता। तो करना क्या है, गहरी नींद को एक्सटेंड करना है मेडिटेशन में, और ऐसे एक्सटेंड करना है कि मिस्टर नोबडी बना रहे। इसीलिए हमारे साधु संत कहते हैं कि एकदम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जैसे रात को सोए तो रात के सोने में हम नोबडी थे, सुबह उठ के ध्यान बैठे तो जब तक के हमारा पूरा ध्यान का अभ्यास पूरा नहीं होता तब तक के हम किसी के कोई रिश्तेदार नहीं है। जहां आप कुछ बनो, ध्यान के लिए बैठे हैं पति हो करके तो ध्यान में पत्नी आकर के जिह्वा दिखाएगी, देखो कैलेंडर ध्यान करता है। देखो महाराज, दूसरी महत्व की बात, वी हैव टू रिमेन एज मिस्टर नोबडी, हम कुछ भी ना बने। तीसरी महत्व की बात, ध्यान को बैठने के पश्चात जब ध्यान से उठेंगे तो हम क्या करेंगे, एक भी संकल्प मत लेना। यदि ध्यान के लिए बैठो और संकल्प ले लो, अच्छा ध्यान करने के बाद स्वामी जी आ रहे उनको उपमा खिलाएंगे, पूरे ध्यान में प्याज काटते रहोगे। देखो, और चौथी महत्व की बात क्या हुआ इसके द्वारा, जब हम मिस्टर नोबडी है तो भूत को हमने दफना दिया। जब हमने भविष्य में क्या करना है इसका संकल्प नहीं लिया तो भविष्य को ताला लगा दिया। अब हम कहां बचे हैं, अब हम वर्तमान में रहे।
इस वर्तमान में अब हमको केवल शांत रहना है, कुछ भी प्राप्त नहीं करना। देखो जब तक कि ये मन में प्रश्न आता है ना, ध्यान मुझे कब तक करना पड़ेगा, काल का प्रभाव आ गया। ध्यान करने से क्या मिलेगा, वस्तु का प्रभाव आएगा। ध्यान हम कहां करें, देश का प्रभाव आ गया। हमको जगत में कुछ भी ध्यान के माध्यम से प्राप्तव्य नहीं है। प्रजहाति यदा कामान, इस प्रकार से जब हमारा जो औपाधिक भाग है, मन अंतकरण इत्यादि, वो जब शांत हो जाता है, तो ऐसे शांत मन में तसल्ली मत मानना, और उसके पश्चात फिर अपना मेडिटेशन खेलना शुरू करना। क्या खेलना शुरू करना है, मय्येव सकलं जातम्, मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्, मयि सर्वं लयं याति, तद् ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। जब सभी परिच्छिन्नताओं का त्याग हो जाता है, तो पहली अनुभूति होती है हमारे मन से, हमारे ज्ञान से देह का आकार गायब हो जाता है। गहरी नींद में हमारा कौन सा आकार होता है, क्योंकि मन ने देह का त्याग कर दिया है। तो यदि हमारे मन से देह का आकार निकल गया, तो देहात्म भाव खत्म हुआ, और उसके कारण जो भ्रांति है, मैं अंदर हूं और आप बाहर है, यह भ्रांति मिट गई। अब केवल एक ही अखंड अनुभूति होती है, और इस अनुभूति में जितने समय तक रहेंगे, उतने समय तक आपका यह अभ्यास धीरे धीरे आपके हृदय में स्थूल जगत के प्रति वैराग्य प्रकट और दृढ़ करेगा। और जगत के प्रति जब वैराग्य दृढ़ हो जाता है, तो अपने आप अंतकरण से जगत के प्रति सभी कामनाएं शांत हो गई। फिर क्या बचा, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, फिर अपने अस्तित्व का आनंद। और यह आनंद निरपेक्ष है, अपने होने का जो आनंद है, वह शब्दों के द्वारा नहीं वर्णित किया जा सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद में प्रसंग आता है, यदि कोई जवान हो, सुंदर हो, सुदृढ़ हो, पूर्ण विश्व का राजा हो, उसको सुंदर पत्नी हो, और वो पत्नी भी इंटेलिजेंट हो, पूर्ण विश्व में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो आनंद होगा, उसको कहते एक मानुष आनंद। और ऐसे 100 मानुष आनंद को ले लो, तब जाकर के कहेंगे एक गंधर्व का आनंद होता है। और ऐसे 100 गंधर्व के आनंद को इकट्ठा करो, तो एक कर्म देवता का आनंद होता है। और एक कर्म देवता के आनंद को 100 गुना कर दो, तो एक आजान देवता का आनंद होता है। ऐसा करते करते जो चलाते हैं, फिर कहते हैं ऐसा जो आनंद है, ब्रह्मा जी का है, बृहस्पति का है, इंद्र का है, और आखिर में जाकर के कहते हैं ये सभी के सभी, संपूर्ण विश्व के सभी आनंद इस परमानंद ब्रह्मानंद के लव में आश्रित है। देखो महाराज, यह वाणी के द्वारा बताया जाने वाला अनुभव नहीं है, इसीलिए साधु संत चुप बैठते हैं, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करते, किसी के साथ डिस्कशन नहीं करते, फिर क्या करते हैं, टाइम पास। देखो नहीं तो तू तू मैं तू तू, पूरा लाइफ इसी में चला जाता है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, यह समत्व में जो स्थित हो गया है, उसकी प्रज्ञा, उसका ज्ञान कभी भी कलुषित नहीं होता, और इसीलिए वो हमेशा मौज में है। ध्यान से सुनना, मौज में रहना यह एक क्रिएटिव फोर्स है। जो व्यक्ति प्रसन्न होता है, आनंद में होता है, वो किसी का नुकसान नहीं करता,
जो व्यक्ति दुखी है वो नुकसान किए बगैर रुक नहीं सकता। देखो कल्पना करो, मैं बहुत खुश हूं, मैं जाकर के अपनी गर्लफ्रेंड को कहता हूं कि डार्लिंग आई एम सो हैप्पी टुडे, मैं तुमको मारना चाहता हूं, कभी संभव है? जो खुश है वो किसी का नुकसान नहीं करेगा। इसीलिए आत्मन्येवात्मना तुष्टः, तो ये पूरे प्रसंग का अर्थ क्या हो गया कि ध्यान में रहना माने प्रसन्न रहना। देखो कितनी सहज बात है, और ये प्रारंभ में है भगवद गीता के, अंतिम में जाकर के कन्हैयालाल क्या कहते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मभूत हो गया है माने अब जो परमात्मा में मानो एक हो ही गया है, उसके क्या लक्षण है? पहला लक्षण प्रसन्नात्मा, एवर चेयरफुल। भगवान कृष्ण के जीवन को देखो तो उनके जीवन में जितनी कठिनाइयां आई उसमें से एक छटाक भी कठिनाई हम लोगों के जीवन में नहीं है। बचपन से हाथ में डंडा पकड़ा करके जानवरों के पीछे दौड़ाया, गोपियों ने इतने से माखन के लिए नचाया और एक के पीछे एक उनको मारने के लिए दौड़े, बचपन से सब उनके प्राण लेने के लिए तैयार है, फिर भी उनके जीवन में कड़वाहट नहीं, द्वेष नहीं। देखो ऐसे कन्हैया की यदि हम भगत है तो थोड़ा बहुत तो मैचिंग होना चाहिए। हम लोग साड़ी को और ब्लाउज को मैचिंग करते हैं, हम लोग अपना शर्ट और लुंगी को मैचिंग करते हैं, भगवान के भगत बन गए तो भगवान से थोड़ा बहुत तो मैचिंग करो महाराज। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, इसके लिए एक बात महत्व की, कभी भी अपने जीवन के भूतकाल को कहीं भी व्यक्त मत करना। कोई पूछता भी है तो ठोक दो, झूठ मार दो, नहीं तो वही शुरू हो जाता है। जब हम काबुल में थे हमारे दादाजी चने बेचते थे। अब एक बात हमको समझ में नहीं आती, हमारे भूतकाल का किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन आवर पास्ट, एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर। लेकिन हमारे पास अपने भूत के सिवा है क्या? तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा भूतकाल में रहता है उतना उसका ईगो स्ट्रांग होता है, और जितना ईगो स्ट्रांग होगा उतना उसका दुख ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा दुखी होगा वो हरेक को दुखी करता है। देखो प्रसन्न जब हम रहते हैं तब हम वर्तमान में रहते हैं। एक बार की बात है, हमारे ठाणे की बंबई के पास एक स्कूल का बहुत बड़ा फंक्शन था, हमको वहां बुलाया था, 1,500-2,000 बच्चे और उनके माँ बाप दादा दादी सब मिला करके 5,000-6,000 की पब्लिक, और हम वहां लेक्चर दे रहे थे, सबका सब हॉल हा हा हु हंस रहा था खुशी के मारे। सामने एक औरत बैठी हुई थी बुढ़ाऊ, और वो एकदम ऐसी कि एक मुट्ठी भर खटमल खा लिए हो तो चेहरा कैसा होगा, तो वैसी वो बैठी हुई थी। तो मैंने अनेक प्रकार से प्रयत्न किए कि उसको मुंह उसके चेहरे पर दो क्षण के लिए मुस्कान ले आऊं, लेकिन मैं फेल हो गया। सब दुनिया हंस रही है लेकिन वो ऐसी की ऐसी, जैसे इजिप्ट की मम्मी होती है ना, इजिप्शियन मम्मी, ऐसी सुखड़ी हुई। तो मैंने सोचा क्या करे क्या करे, फाइनली जब मेरा प्रवचन पूरा हो गया मैं नीचे उतरा और जाके उसको नमस्कार किया, अम्मा तुमने मुझे हरा दिया, तुम बड़ी पक्की हो, नहीं हंसने का तुम्हारा जो व्रत है वो सफल हो गया, मैं अपनी हार मान लेता हूं कि तुमने नहीं हंसने का व्रत लिया है। तो उन्होंने क्या कहा, अपना रुमाल अपने मुख के सामने रखा और कहा, स्वामी जी ऐसी बात नहीं है,
मैं अभी डेंटिस्ट के पास से आई हूं और ये डेंचर जो है नया है उसको मैंने पकड़ के रखा था, इसीलिए मैं हंस नहीं पाती थी, नहीं तो हंसती तो फटाक से बाहर आ जाता और आपको चबा लेता। महाराज, इस जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु को यदि कोई है तो अपने हृदय के आनंद को बाहर प्रकट होने दो। आत्मन्येवात्मना तुष्टः चित्त प्रज्ञस्य तदोच्यते। और जब हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं ना, तब हम वर्तमान में होते हैं। जब हम हंसते हैं तब हम विचार नहीं करते, और जब हम विचार करते हैं तब हम हंसते नहीं। ट्राई करके देखो दोनों साथ साथ। एक बार मुझे किसी ने एक SMS भेजा, बढ़िया जोक था। उसमें ये बताया था, एक सरदार जी कहीं मार्केट में गए और उनके कंधे पर एक तोता था। तो किसी ने पूछा, भाई ये जानवर कहां से लाए? तोते ने जवाब दिया, पंजाब से। अब इसमें से जिनको जो समझ में आया, जो हंसे, उनको ये समझ में आएगा इस समय वो कहां थे, केवल वर्तमान में थे। और जिन्होंने अपने डेंचर को पकड़ के रखा है वो तो ये सोचे मैं जाकर के डेंटिस्ट को डांटूंगी। महाराज, प्रसन्नता ही हमको वर्तमान में रखती है और वही जीवन है। हमको कोई चॉइस थोड़ी है कि हम कल जिएंगे या आने वाले कल जिएंगे। वी हैव टू लिव टुडे विदाउट एनी ऑप्शन। देखो, इसीलिए आत्मन्येवात्मना तुष्टः चित्त प्रज्ञस्य तदोच्यते। उसके पश्चात जो अर्जुन ने कहा था कि यह स्थितधि किम प्रभाषेत, यह जगत के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो उसके व्यवहार की बात बताते हैं। बहुत सुंदर बात है। दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, सुखेशु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधि मुनि उच्यते। हमारे सबके जीवन में सुख दुख सामान्य रूप से आते हैं। जैसे परमात्मा सबके लिए सम है, उसी लिए सुख दुख भी हमारे सबके लिए सम है। अब ध्यान से सुनना, जीवन में दुख हम किसी कारण के कारण आए ये कह सकते हैं, लेकिन हम सभी के सभी दुखी अपने चॉइस से है। नो बडी कैन मेक अस मिजरेबल अनलेस वी कोऑपरेट। देखो, जैसे हम अभी आए हमारे प्रभात जी के यहां, तो हमारी बड़ी खातिरदारी हो रही है, बड़ी खुशी की बात है, बड़े आराम से रह रहे, और हम यहां से चले गए दिल्ली। तो हमको कोई पूछेगा, भाई हम बनारस जा रहे, कहां जाए, तो हम किसका नाम बताएंगे? इनका, इनके यहां जाओ, क्यों? बड़े अच्छे लोग हैं। इसी प्रकार से एक दुख हमारे पास आया और हम बहुत दुखी हो गए, और उसके बाद वो दुख दूसरे के पास जाने के लिए वहां से निकला और दूसरे दुख से मिला। कहां से आ रहे? वाराणसी से आ रहे। वहां किसके यहां जाने से आदर मिलता है? हाँ, स्वामी जी के पास जाओ। वो बड़े जल्दी दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से जब हम दुख का आदर करते हैं, माने जब हम दुखी होते हैं, तो ये अपना चॉइस है। नो बडी कैन मेक अस मिजरेबल अनलेस वी कोऑपरेट। यही यहां बात करते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। दुख किसके जीवन में नहीं आते? देखो, इसीलिए जीवन में दुख का आना एक बात है और दुख के द्वारा प्रभावित होकर के दुखी होना यह दूसरी बात है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। दूसरी बात, सुखेषु विगत स्पृहः। जीवन में सुख और जो कंफर्ट्स आते हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन किसी भी सुख में आसक्त जो नहीं होता वही किसी का गुलाम नहीं बनता। यदि कोई व्यक्ति हो एक विशेष प्रकार के भोग में या कंफर्ट में आसक्त हो, तो वो किसी ना किसी का गुलाम होकर के रहेगा। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, जो बाबा जी लोग
रात को दूध पिए बगैर नहीं सो सकते, उनको किसी का गुलाम होकर के रहना पड़ेगा जिंदगी भर एक दूध के प्याले के लिए। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए दुखेशु अनिर्दिग्धमना सुखेशु विगतस्पृहा। वीतराग भय क्रोध, जिसके अंतकरण से राग क्रोध और भय तीन निकल गई है बातें। राग माने आसक्ति, क्रोध सबको मालूम है, भय भी सबको मालूम है। अब ये तीनों का निर्माण कब होता है ध्यान से सुनना है, बड़ा सूक्ष्म विचार है। हमें अन्य के बारे में इच्छा होती है, स्व के बारे में कभी इच्छा नहीं होती। जैसे ये मेरा फोन है, मुझे अपने फोन की इच्छा नहीं होगी क्योंकि ये मेरा है ही, मुझे इच्छा किसकी होगी? आपके हाथ में जो जवाहर की अंगूठी है उसकी इच्छा हो सकती है क्योंकि मेरे हाथ में अंगूठी नहीं है। देखो इच्छा हमेशा अन्य की होती है। इच्छा यदि पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, इच्छा यदि पूरी हुई तो लोभ आया। क्रोध और लोभ दोनों के द्वारा मन का संतुलन बिगड़ जाता है, समत्व नष्ट हो जाता है और अन्य के बारे में ही भय होता है, अपने बारे में भय नहीं है। गर्मी के दिनों में हमारे केरला में लोग जमीन पर सोते हैं, बहुत गर्मी है तो वहां बिल्कुल सीमेंट की फ्लोर है, उस पर सोए केवल लुंगी पहन करके, ऊपर का हेलीपैड खुला है। जिनका मध्य प्रदेश भव्य होता है ना, तो बड़ा आनंद आता है ऐसा हेलीपैड पर पड़े, ऐसे पड़े हुए, और उनके पेट पर जब उनका ही हाथ आकर के रहेगा तो डर लगेगा क्या? डर नहीं लगेगा। एक बार ऐसे ही एक मलयाली ऐसे पड़े हुए थे और ऊपर छत पर एक मम्मी चिपकली और एक बेबी चिपकली दोनों जा रहे थे। तो बेबी चिपकली ने मम्मी चिपकली को पूछा, मम्मी मम्मी मुझे ऊपर से जंप करने की प्रैक्टिस करनी है, ये हेलीपैड दिख रहा है, ट्राई करूं क्या? तो मम्मी ने कहा कि बेटा जरूर जाना, लेकिन जब उस हेलीपैड पर कूदोगी तो वो हेलीपैड भी कूदेगा, तब अपने को बचाना, नहीं तो मर जाओगी। ठीक है, हाँ मम्मी। और वो छोटी सी चिपकली इतनी सी, उसने ऊपर से हेलीपैड पर लैंड किया तो धड़ाड़ से ये उठ पड़े। जब इतना मोटा हाथ अपने पेट पे जाता है तब डर नहीं, इतनी छोटी सी चिपकली पड़ी तो काहे का डर है। द्वितीया त्वयि भयं भवति। देखो माने कामना, क्रोध और भय, इसका मूल है अन्य की प्रतीति। जब सबको हम अपना ही स्वीकार करेंगे तो कोई इस दुनिया में नया नहीं है, सब अपने ही है। और इस दृढ़ विश्वास के साथ चले आप, देखो जीवन में कितने आनंद आते हैं। हम अपना एक अनुभव बताते हैं, अनेक अनुभूतियों में हम गए थे जर्मनी में, और कहां की बात है, हैम्बर्ग में उतरे हम हवाई जहाज से, लंदन से गए थे। तो हमारे पास पाउंड की नोटें थी, 20 पाउंड की नोट थी, और वहां से वो ट्रॉली निकालने के लिए पैसे लगाने पड़ते कॉइन्स, तो हमारे पास यूरो तो था नहीं, तो हमने वो वेंडर मशीन होती है उसमें डाले 20 पाउंड, और उसमें से फिर नोटें ही निकली, कॉइन्स निकले ही नहीं। तो हम सोचे क्या करें क्या करें क्या करें, बड़े परेशान। तो वहां एक जो पोर्टर था वो आया और वो मुझे कहता है नो वरी नो वरी, उसको जर्मनी आती, उसको अंग्रेजी नहीं आती, और उसने अपने जेब से एक यूरो का कॉइन निकाला, उसमें डाल करके उसको खुला किया, मुझे दे दी। तो मैंने उसको 5 पाउंड देने को कहा, अरे ये ले लो, थैंक यू वेरी मच। नो 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 नो, यू आर गेस्ट, आई एम हैप्पी, टेक। कौन मदद करता है? यदि हमारा मन सहज शांत, सबको अपनाना है, जगत में कोई पराया नहीं है, परायेपन की जो भावना है यही काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य ये निर्माण करती है। इसीलिए मन में समत्व लाने के लिए जो जो विचार भेद का प्रतिपादन करते हैं,
जो विचार भेद का समर्थन करते हैं और जो विचार भेद को ही प्रकट करते हैं, वे सभी के सभी विचार त्याज्य है। देखो हमारे पूरे देश में जो रोग हो गया है ना, यही रोग हो गया है। एक मलयाली है, एक गुजराती है, एक तमिलनाडु का है, और एक कर्नाटक का है, एक यूपी का है, और फिर यूपी में भी ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, कितने भेद भेद भेद। भारतीय होने को कोई तैयार नहीं। देखो संतो, तब जाकर के मन में समत्व आता है। तो दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, तिथि मुनि उच्चते। तो ऐसा जिसका मन का संतुलन हमेशा बना रहा है, इसीलिए समत्वम मौज उच्चते, ऐसा व्यक्ति कहीं भी चले जाए, ही इज ऑलवेज एट होम विथ एवरी वन, इन एवरी प्लेस, इन एवरी सिचुएशन, ऑल द टाइम। और यह सबके लिए संभव है। अच्छा, उसके पश्चात यहां सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जीवन में हमारे एक तो सुख दुख का आगमन होता है, दूसरी बात हमारे जीवन में अनेक ऐसे व्यक्तियों का आगमन होता है कि जिनको हमने कभी देखा तक नहीं। कहते हैं यहां सर्वत्र अनभिस्नेह, ध्यान से सुनना, लेट अस नॉट बी अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड, बट लेट अस बी फ्रेंडली विथ एवरीवन। एक व्यक्ति विशेष से हम दोस्ती करके उसमें बंध जाते हैं, लेकिन दोस्ती यदि विश्व के साथ हो तो हम खुल जाते हैं, यहां कोई अपना पराया नहीं है। यही हमारे दुख का मूल कारण है। जब केवल इस देह को मैं मानता हूं तो बाकी के अन्य हो गए ना। यहां मानना है तो सभी देह में अपने ही है, या एक भी देह अपना नहीं है, दोनों का अर्थ ही कहीं निकलता है। बच्चा जब मेरा होता है तो दृष्टि भिन्न है, पराये का होता है तो दृष्टि भिन्न है। एक बार की बात है पुना की, हम कहीं जा रहे थे लेक्चर के लिए, तो एक अम्मा हमको मिली, बोले स्वामी जी आपको याद है क्या, जब आप पिछले बार आए थे तो मेरी जो लड़की थी वो स्कूल में जा रही थी और आपसे बड़ी वो प्यार करती थी, छठवीं सातवीं थी। हाँ याद तो है, झूठ तो मैं बोल ही सकता हूं। तो बोले अब उसका भी शादी हो गया, वो डॉक्टरनी हो गई, अब उसकी जो लड़की है वो 5-6 साल की है, आप हमारे घर जरूर आइए चाय पीने के लिए। हमने कहा ठीक है, हम गए उनके यहाँ चाय पीने के लिए। अब वो अपने पोती की तारीफ करेगी, बोले स्वामी जी ये हमारी पोती है ना, ये उसके माँ की जैसी बहुत बढ़िया भगवद गीता कहती है। तो मैंने बोला शुरू हो जाओ, चाय पीने के लिए कुछ ना कुछ तो टैक्स देना ही पड़ता है, तो शुरू हो जाओ। वो कहती है स्वामी जी मैं अपने दोस्त को बुलाऊं ना। बुलाओ। वो अपने बगल में गई, अपने दोस्त को ले आई, तो ये दोनों लड़कियां मेरे बगल में बैठी और शुरू कर दिया। इतना सुंदर इस दोस्त ने कहा, एक भी गलती नहीं, एक भी उच्चारण का अपभ्रंश नहीं, कहीं आंखें खोलना नहीं, कहीं हाथ को झटकना नहीं, शांत होकर के ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, पूरा का पूरा 20-15वें अध्याय के श्लोक स्पष्ट रूप से उसने कहे। और ये जो पोती थी ये 20 श्लोकों में 25 गलतियां करी, और बीच में गलती होने के बाद फिर दांत से जीवा चिबाना, इधर देखना उधर देखना। अब नेचुरली जो अच्छा कहेगा, मेरे लिए तो दोनों एक ही है, तो ये बच्ची ने जो अच्छा कहा, तो पहले मैंने उसको हक किया, किस किया, हमने कहा कि डियर यू आर रियली ए जीनियस, और उसको मैंने अपने जेब से चॉकलेट निकाल के दे दी। उधर दादी माँ को या नानी माँ को आग लग गई। उसने पहला काम क्या किया, उस लड़की को फिजिकली हाथ से उठाया, बेटा तुम घर जाओ, अब घर जाओ, अपने बाहर निकाल दिया। और फिर कहती है स्वामी जी मेरी पोती ने अच्छा कहा ना, हमने कहा इसने तो इससे भी अच्छा कहा, मुझे उस घर में चाय पीनी थी।
देखो मनुष्य कितना ये मैं अरु मोर तोरतय माया, यही तो चक्कर है सब। इसलिए संतो यहां कहते हैं, यहां सर्वत्र अनभिस्नेह, किसी के साथ ना तो दोस्ती करो ना तो दुश्मनी करो, सबके साथ समान व्यवहार, समत्वम योग उच्चते। ये घरों में झगड़े होते हैं ना बहू सास के, इसका यही कारण है। अपनी लड़की कितनी भी बेवकूफ हो तो चलेगी, और बहू ने एक गड़बड़ी करी तो उसके पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। देखो संतो, इसीलिए यहां सर्वत्र अनभिस्नेह, किसी के साथ ना दोस्ती करो, या यहां सर्वत्र अनभिस्नेह, यह जो वाक्य दो प्रकार से टूटता है, या तो सबको अपना कहो या किसी को अपना मत कहो। जीवन में यह जो भेद है यही विषमता का विष है। यहां सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, उसी प्रकार से कभी शुभ होगा कभी अशुभ होगा, न अभिनंदति न द्वेष्टि, किसी भी प्रकार से ना तो अभिनंदन या द्वेष है। यह तो दुनिया का नाटक चल रहा है, इसमें ऐसा ही होता है। अपने इस समझदारी को जिसने ठिकाने पर रखा है वही हमेशा मौज में है, नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा करना गुस्सा करना। अब देखो हम आपको एक उदाहरण देंगे, पूरे महाभारत को यदि आप पढ़े उसमें यदि ये हमारा मौज में रहो का सिद्धांत लागू होता तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। कैसे, एक उदाहरण हम आपको देंगे। जब यह द्रौपदी और पांडव उन्होंने मय महल बनाया था और उसमें ये दुर्योधनादि को बुलाया था, और वहां जमीन के जगह पानी दिखता था, पानी के जगह में जमीन दिखती थी, और उसमें दुर्योधन पानी में पड़ गया गिर गया, तो ये द्रौपदी हंसी और हंसने के बाद कुछ कह दिया, वो कहने के कारण यदि उसी समय दुर्योधन भी हंसता तो किसका अपमान होता। देखो अब कोई नीचे गिर के हंस दिया तो हंस दो, आप भी हंस दो। हम अपना अनुभव बताते हैं, हम कहां थे, कॉक सरोवर में थे, ऑस्ट्रेलिया में, समुद्र के किनारे जा रहे थे, बहुत तेज से हवा भी चल रही थी, और हमने वो टोपी पहन के रखी थी फेल्ट हैट, क्योंकि गर्मी बहुत थी और वहां बहुत गर्मी तेज होती है। तो जब हम जा रहे थे वैसे लुंगी पकड़ के ऊपर तक लुंगी आ गई और पानी में यहां तक थे, और जोर से हवा में आई और हमारी टोपी उड़ गई। जब उड़ गई तो हम उसको पकड़ने के लिए दौड़े, पानी में पकड़ने के लिए दौड़े तो हमारे लुंगी में पैर फंस करके हम पानी में गिर गए। लोग भी हंस रहे हम भी हंस रहे, आनंद ही आनंद, वहां दुख का कारण कहां है। देखो जो व्यक्ति अपने पर हंस सकता है वही सबके साथ मुस्कुरान दे सकता है। अपने पर हंसने के लिए शेर का दिल चाहिए, दूसरे पर हंसने के लिए चूहे का दिल काफी है। इसीलिए ना भी नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जगत में तो ये सबको होता ही रहता है, उसको लेकर के मन के संतुलन को नहीं खोना। और ऐसा जो संतुलित ज्ञान वाला मौज वाला व्यक्ति है उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता यह है कि उसकी कार पुरानी एम्बेसडर नहीं है। पुरानी एम्बेसडर कार के लक्षण क्या है, जो कार का हर पुर्जा आवाज करता है एक्सेप्ट द हॉर्न, उसको कहते हैं पुरानी एम्बेसडर कार। अब वो कार ऐसी है, आप कहीं जा रहे हो और आपने ब्रेक लगाया वाराणसी में और ब्रेक लगा जाकर के इलाहाबाद में, तो कैसा मजा आएगा, एक्सीडेंट गारंटीड है। इसी प्रकार से जो अपने बुद्धि को ठिकाने पर रखता है उसने यह स्वातंत्र्य टिका के रखा है, इस जगत में प्रवृत्त होना और निवृत्त होना यह अपना स्वातंत्र्य चाहिए, दोनों में स्वातंत्र्य।
ऐसे नहीं कि हम जगत में प्रवृत्त तो हो जाते हैं, निवृत्त तो होने को तैयार ही नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट को लगाना पड़ता है एज ऑफ रिटायरमेंट। ये एज ऑफ रिटायरमेंट हमारे पॉलिटिशियन अपने पर कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो रिटायर होना ही नहीं चाहते। पब्लिक इज टायर्ड ऑफ देम, दे आर नॉट रिटायर्ड। देखो, तो जब जगत में हमको रहना है तो दोनों बातें, जगत में प्रवृत्ति में स्वातंत्र है, जगत से निवृत्त होने के लिए स्वातंत्र है। जिसने इस स्वातंत्र को टिका के रखा है वही मौज में है। अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ बातें हो रही है, वहां हमको बुलाया नहीं गया तो बोलने की कोई आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आप देखेंगे दो आदमी बोल रहे हैं, तीसरा बीच में खुसट आ जाता है। हाँ, किसके किसके बारे में, कौन कौन मरा, कौन मरा, कोई जरूरत है? ऑब्जर्व दिस थिंग, वेयर वी आर नॉट रिक्वायर्ड वी मस्ट लर्न टू कीप अवर माउथ शट। लेकिन हम भारतीय है ना, भारतीय लोगों के लक्षण क्या है, एवरी मोमेंट इज ए टी टाइम, कभी भी चाय पियो। हर एक भारतीय पैदाइशी डॉक्टर होता है, हर एक भारतीय दूसरे के कामों को अच्छी तरह से जानता है, अपना काम कभी करता नहीं। हर एक भारतीय अन्य को उपदेश करने में एकदम माहिर है, और हर एक भारतीय अन्य के लिए डिसीजन लेने को तैयार है। घर में अपने जो विजिलेंस ऑफिसर होते हैं ना, हर एक घर में विजिलेंस ऑफिसर माने बुढ़ाऊ, अब उनको काम धंधा तो कुछ है नहीं, तो वहां बैठे बैठे देखते रहेंगे। अच्छा, आजकल ये अपनी जो लड़की है ना, ये फैन की तरफ बहुत देख रही है, क्या गड़बड़ी है? फिर उसकी इंक्वायरी शुरू होगी, तुम फैन की तरफ क्यों देखती हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ जरूर है। इंक्वायरी कमीशन बैठ गया, उसको परेशान करें, फिर परेशान करके निर्णय ले लिया, इसकी शादी करा दो, क्योंकि हम तो डूबे हैं सना, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे। इस प्रकार से जब हम अन्य के विषय में खामो खाम मुंह मारते हैं और बाद में पछताते हैं, इसका कारण क्या है? अपना अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है। तो हमने अपने इंद्रियों के घोड़ों को बिना लगाम के छोड़ दिया है। भगवान कहते हैं, हां, यह जो समत्व में स्थित पुरुष है उसकी कैसी बात है? यदा संहरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ जैसा होता है, उसके छह अंग बाहर निकलते हैं, चार पैर, एक मुख और एक दुम, और ये कछुआ किसी से झगड़ा नहीं करता। यदि उसको लगा कि कोई अभी उसके ऊपर में कठिन परिस्थिति आने वाली है, तो वो अपने आप से सभी छह के छह अंग अंदर में खींच करके वही जमीन में डट जाता है, झगड़ा नहीं करता। इसी प्रकार से यह जो साधु संत है, जिनकी बुद्धि कभी कलुषित नहीं होती, उन्होंने अपने स्वातंत्र को टिका के रखा है। जब चाहे इंद्रियों को छोड़ो, जब चाहे इंद्रियों को समेट लो। और जिसने यह अभ्यास किया है वही व्यक्ति मन के ऊपर नियंत्रण ला सकता है। जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है वो मन पर क्या नियंत्रण लाएगा? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः तब पैदा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं जी, हम तो मेहनत करके अपने इंद्रियों पर नियंत्रण लाते हैं। भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि आप जबरदस्ती करो कि हम नहीं खाएंगे खाना 8 दिन तक के, कोई बात नहीं, विशेष बात है ही नहीं इसमें। पहले बार जब भूख लगेगी तब थोड़ी परेशानी होगी, फिर नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, दूसरे बार फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। 8 दिन बिना खा के जीना कोई कठिन बात नहीं है। असली साधना क्या है? दिन में 3 बार खाओ और हर एक बार थोड़ा थोड़ा खाओ, फिर देखो
नियंत्रण किसको कहते हैं मन का, तब समझ में आता है। देखो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हम तो एक्सट्रीमिस्ट है, खाएंगे तो खाते ही जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, ये साधना नहीं होती। इसीलिए अपने इंद्रियों को विषयों से एकदम स्वतंत्रता से लगाना और उसको समेट लेना, जैसे कछुआ अपने अंग को बाहर निकालता समेटता है बिना किसी प्रयत्न के, ऐसा जिसका प्रयत्न रहित जीवन सहज हो जाता है उसमें प्रत्याहार या उपरति स्थित हो गई है। और ऐसा ही व्यक्ति अपने मन का संतुलन हमेशा बना के रख सकता है। और यदि जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा, रसवर्जम, मन में रस अभी बचा है। कैसा बचा है, ये चातुर्मास में प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाना, तो 4 महीने तो बड़े मुश्किल से निकलते हैं। तो 4 महीने शुरू होने के पहले प्याज की सब चीजें खा लो खा लो, प्याज के पकोड़े, प्याज के पराठे, प्याज की हर चीज, क्योंकि 4 महीने खाना नहीं है। 4 महीने पूरे हो गए बिना प्याज के, उसके बाद चाय में भी प्याज का तड़का दो, क्योंकि 4 महीने का अब बदला निकालना है। ये थोड़ी होता है, रसवर्गम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जगत के विषयों के प्रति जो हमारे अंतकरण में रस है, ये रस जब सूख जाएगा ना, तभी सामने वस्तु हो तो भी मन विचलित नहीं होगा। हमारा वैराग्य कैसा है, डॉक्टर ने बताया, यदि आप 1 चम्मच चीनी और खाओगे महाराज, तो अपने मुर्दा घाट में नंबर लगा लो, फिर 1 चीनी चम्मच खाना, बाप रे इतनी बुरी हाल है, इससे भी बुरा हाल है, अच्छा अब मैं नहीं खाऊंगा। देखो तो ये जो चीनी को छोड़ना है डायबिटीज लोगों का, ये वैराग्य थोड़ी है, ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। वैराग्य किसको कहते हैं, सामने विषय उपलब्ध हो, भोग करने की क्षमता हो, भोग करने का स्वातंत्र्य हो, और फिर भी हमारे मन हमारे इंद्रिय भोग के प्रति लालायित नहीं होते, उस स्वातंत्र्य को कहते हैं वैराग्य। देखो महाराज, और ये तब आएगा कि जब हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, जब हमारी प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी। इसीलिए रसवर्गम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमारे रामानुजाचार्य जी महाराज के जीवन की कथा आती है। एक सज्जन थे, एक वेश्या के प्रति बड़े आकर्षित थे, इतने आकर्षित कि हमेशा उसके तरफ देख करके पीछे पीछे चलते थे, धूप है तो उसके ऊपर छाता रख करके चलते थे। जब उन्होंने अपने घर से देखा तो पूछा, भाई ये आदमी कौन है, बोले ऐसा ऐसा आदमी है, वो उस स्त्री के प्रति बहुत पागल है, उसके सौंदर्य के प्रति। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसको शाम को बुलाओ। उसको बुलाया, उसने कहा यदि मुझे स्त्री से और सुंदर कोई वस्तु दिखेगी तो मैं इसके तरफ नहीं देखूंगा। बोले ठीक है, आरती में आ जाओ। और वहां भगवान राम की आरती हो रही थी, झांकी हो रही थी, और उस संत के संकल्प से भगवान राम का जो साक्षात दर्शन है यह इस व्यक्ति को हुआ आरती में। उसी क्षण से वो एक बहुत बड़े संत बन गए, परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमने अभी असली आनंद को चखा ही नहीं, इसीलिए बाहर के टुकड़ों पर पल रहे। देखो महाराज, जैसे खानदानी अमीरी होती है, उसी प्रकार से हम खानदानी आनंद स्वरूप है, बाहर से भीख लेने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं तो हम 5 कटोरियां हाथ पे लेकर के घूमते हैं, हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करने की 5 कटोरियां है, 5 इंद्रिय, जा करके रूप रंग के पास जाते कहते थोड़ी भीख दे देना सौंदर्य की, शब्दों के पास जाकर कहते जरा हमारी तारीफ सुनाओ, हरे राम राम राम। आत्मन्येवात्मना तुष्टः
जब हमने अपने स्वरूप के आनंद को पहचान लिया है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, फिर जगत में किसी भी प्रकार का आकर्षण इत्यादि नहीं रह सकता। और यहां कहते हैं यततो जपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रथमं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब तीसरा प्रश्न था कि उसकी बुद्धि इतनी स्थिर होने का, समत्व में स्थित होने की बैठक क्या है। युक्त आसीत मत्परः, उनका आसन मैं हूं। जिसका मन प्रभु में लगता है उसको ये जगत के भोग आकर्षित नहीं कर सकते। देखो उसके लिए करना क्या है, भोग किसके माध्यम से लेते हैं, इंद्रियों के माध्यम से। तो पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण लाना है। इंद्रियों पर नियंत्रण दो प्रकार से आता है, दो स्टेजेस में आता है। पहले नियम होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में नियम नहीं है वह व्यक्ति जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। खाने का नियम, सोने का नियम, बैठने का नियम, उठने का नियम, ये सब नियम होने चाहिए। नहीं तो पशु तुल्य जीवन हो गया। कहीं भी गए, कुछ भी किया, कैसा भी रहे, ऐसे जीवन में कभी भी संतुलन नहीं आ सकता। देखो इसीलिए अपने इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसवम मनः, हमारे इंद्रिय ऐसे भयानक है, प्रमाथी है, प्रमथन करने वाले, माने हमको ऐसे हिला देते हैं और फिर हमारा जो मन है फिर जगत में भटकने लग जाता है। और इसीलिए मन को दो दिशा में जाने का स्वातंत्र है। पातंजलि योग दर्शन में अपने भाष्य में व्यास भाष्य में कहते हैं मन या चित्त जो है वह दोनों दिशा में बहने वाली नदी है। या तो ये विषयों के तरफ बहेगी या तो वो अपने परमात्मा अपने स्वरूप के तरफ बहेगी। दोनों दिशा में एक साथ नहीं बह सकती। या तो हमने अपने मन को विषयों में लगाना है या तो परमात्मा में लगाना है। इसीलिए युक्त आसीत मत परहा, तो जहां हमने अपने मन को प्रभु में लगाया है। कैसे प्रभु में लगाना है, तुलसीदास जी कहते हैं ना, कामी ही नारी प्रियारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जो आदमी पैसे कमाते हैं वो तो पैसे के बारे में दो घंटे थोड़ी सोचते हैं। हम तो केवल ऑफिस टाइम में पैसे के बारे में सोचते हैं, बाद में नहीं। हाँ हाँ, उन लोगों का खाना बिजनेस लंच, उनका घूमना बिजनेस ट्रिप, उनकी पार्टी बिजनेस पार्टी, जीवन की एक एक सांस केवल पैसे के लिए ही जीते हैं। इसी प्रकार से अपने जीवन के हर एक अंग में परमात्मा ठस ठस के भर जाए, देखो अपने आप मन शांत रहेगा। और परमात्मा का हृदय में प्राकट्य होना माने अनात्म भाव की निवृत्ति। फिर जगत के विषय विचार हमको कभी भी विक्षेपित नहीं कर सकते। इसलिए भगवान यहां बताते हैं जितना हम विषयों के बारे में सोचेंगे उतना वो विषय हमारे अंतकरण में प्रवेश करेंगे। अंतकरण में प्रवेश किया तो कामना पैदा हो गई। कामना पैदा होने के बाद पूरी नहीं हुई तो क्रोध हुआ, पूरा हो गई तो लोभ हुआ। क्रोध लोभ दोनों के द्वारा हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। मोह पैदा हुआ, मोह होने के कारण हम भूल गए हम दुनिया में आए काहे के लिए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, यही फंस गए। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर अपना पूरा जीवन केवल रिग्रेट जीवन में रहते हैं। जब हम जवान थे तब ऐसा करना चाहिए था, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया, हमने ये नहीं करना चाहिए था वही हमने किया, अब हम क्या करें, महाराज जी बताइए बचाइए। यू कैन नॉट अंडू योर पास्ट, यू कैन करेक्ट योर प्रेजेंट ओनली। तो उसके लिए करना क्या है, अपने भूतकाल को दफना दो, या तो हमारे विश्वनाथ बाबा को अर्पण कर दो। विश्वनाथ बाबा को जो तीन पत्ते का बिल्व पत्र चढ़ाते हैं ना,
उसका अर्थ है हम यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति माने अपने पंचकोश यह जगत सबका सत बाबा को अर्पण कर दिया। अब कौन बचा है? अब केवल बाबा बचे हैं, अब मैं नहीं बचा। देखो परमात्मा के स्मरण मात्र से जैसे समुद्र में ओले गिरे तो घुल जाते हैं, हम उनको अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हमारा मन जब प्रभु में लग जाता है तो मन रहता नहीं, क्योंकि मन और चैतन्य इसमें क्या फर्क है? चैतन्य में कामना का कारुष्य जब आ जाता है तब उसको मन कहते हैं, और मन से यदि इच्छाएं संपूर्ण रूप से हट गई है तो इच्छा रहित मन को ही चैतन्य कहते हैं। इसलिए महाराज अपने अंतकरण से ये जगत को हटा करके वहां प्रभु की प्रतिष्ठा करना, इसी के द्वारा हमारा मन एकदम संतुलित रहेगा, और उसके द्वारा क्या होगा? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो हमने जब प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान को जोड़ लिया तो धीरे धीरे दुनिया हट जाती है और परमात्मा मात्र रहते हैं, फिर प्रसाद बुद्धि प्रकट होती है। प्रसाद बुद्धि माने हमारे जीवन में जो भी कुछ आ रहा है वह प्रभु का प्रसाद है। प्रभु का प्रसाद हम कैसा स्वीकार करते हैं? पहली बात, प्रसाद जब मिलता है तब हम प्रसन्न अपने को खुश नसीब समझते हैं। दूसरी बात, प्रसाद का हम तिरस्कार नहीं करते। तीसरी बात, प्रसाद की इंप्रूवमेंट नहीं करते। हम एक बार गए थे किसी गुरुद्वारे में, वहां इतना सारा बढ़िया हलवा देते हैं, तो उन्होंने हलवा दिया, मैंने देखा तो हमारे मित्र कहते स्वामी जी आपको क्या चाहिए? हमने कहा हलवा के साथ आप लोग अचार नहीं बांटते क्या? खाने में मजा आएगा। प्रसाद का इंप्रूवमेंट नहीं करते, जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। उसको इतना दिया, मुझे क्यों इतना दिया, ऐसा तुलना भी नहीं करते। इस बुद्धि से जो जीता है उसको प्रसाद बुद्धि प्राप्त हो गई है। उसके बाद हमको कोई भी कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है तो हम मौज में हैं, और जब मौज में है तभी प्रभु के बारे में सोच सकते हैं। प्रसन्न चेतसो याचो बुद्धि परि परमात्मनि अवतिष्ठते, तब जाकर के हमारी बुद्धि परमात्मा में लगती है। इसीलिए अपने मन से निकाल डालो कि दुखी होना माने भगवान के भगत है, नहीं। जैसा हमको दुखी कोई अच्छा नहीं लगता, भगवान को भी दुखी अच्छे नहीं लगते, उनको अपने जैसा मैचिंग चाहिए कोई ना कोई, तब जाकर के मजा आता है। देखो संतो, इसीलिए प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परि अवतिष्ठते, और ये प्रसन्न चेतस व्यक्ति जो है वह इस जगत में ऐसा मस्त रहता है, जे ही बीती राखे राम ते ही बीती रही है। तब मन में किसी भी प्रकार के लाभ हानि के कारण निर्माण होने वाले जो विक्षेप है वो शांत हो गए, और उसी को कहते हैं समत्वम मौज उच्चते। देखो जब बड़े बड़े शब्दों का संस्कृत की भाषा में प्रयोग होता है ना, तब हमको डर लगता है और ऐसे लगता है स्थित प्रज्ञ कैसा होवे। स्थित प्रज्ञ माने जो मौज में है, और जो भ्रष्ट प्रज्ञ है वो मौज करने के लिए तरसता है। देखो स्वाभाविक आनंद के प्राकट्य को मौज कहते हैं, और आनंद को प्राप्त करने के लिए जो तड़प है उसको फौज कहते हैं। हम लोग फौज में हैं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मिलता कुछ नहीं। इस प्रकार से अपने बुद्धि को हमेशा संतुलित रखना ये सबसे बड़ी साधना है। फिर बाहर जो भी हो रहा ठीक है, अपने अंतकरण को शांत रखना है। देखो कबीर जी के जीवन की एक कथा आती है जिसमें उनको कोई मिडिल ईस्ट से मिलने के लिए एक बड़े मुसलमान संत आए थे,
तो उन्होंने अपने घर के बाहर, वो तो बड़े मस्त आदमी थे, उन्होंने घर के बाहर एक सुअर को बांध के रखा था। तो जैसे वो संत आए, उन्होंने कहा, अरे क्या किया तुमने, गंदगी को घर के बाहर ही बांध के रख दिया है। कबीर महाराज कहते हैं, गंदगी को बाहर ही रखते हैं, अंदर तो शांति है, प्रेम है। अपने अंतकरण को किसी भी कारण से कलुषित ना होने दे, ये सर्वश्रेष्ठ साधना है। हम कितने बार मंदिरों में गए हैं, कभी भगवान को कहा है क्या कि हे भगवान, मेरा अंतकरण इतना शुद्ध पवित्र कर दो कि आप स्वयं आकर के वहां विराजमान होवे? कभी नहीं कहा हमने, क्योंकि हमको तो मालूम है हमारे जैसा कोई ऐच्छ नहीं है, बढ़िया है, हम तो बड़े अच्छे हैं। हनुमान जी जब छल कपट करके भगवान राम के सामने जाकर के पूछते हैं कि हे आप लोग कौन है, कहां से आए हो, तो उस समय राम जी क्या कहते हैं, मैं दशरथ पुत्र राम हूं। और जब हनुमान जी को पता चलता है उनके छद्म वेश के कारण ऐसा उत्तर मिला है, तो उन्होंने फिर अपना कपि वेश धारण करके प्रकट किया, तब जाकर के भगवान ने उनको गले लगाया। पहले ब्राह्मण बटु के वेश में थे, तब भगवान राम ने उनको गले नहीं लगाया। भगवान के सामने भी झूठ, देखो संतो। इसीलिए भगवान को एक ही वस्तु मांगनी है कि हे प्रभु, ऐसे अंतकरण को शुद्ध करा दो कि जिसमें आपके विराजमान होने के लिए लायकी हो जाए, एक ही साधना, बाकी सब ठीक हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।